अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं असीफ भाई जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। बस ये है, साइकिल से ज़रा सफ़र कर रहे थे, आज ज़रा बारिश भी हो रही थी। अगर ऐसे देखो थोड़ा जा, ये हमारे वली भाई हैं, भी बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, और ये हमारा हॉस्टल भी, ये डिफरेंट किस्म के हॉस्टल्स हैं, चाइनीज़ हॉस्टल भी हमारा, ये पल्ली साइड पर हॉस्टल हम इधर से आ रहे हैं। और थोड़ा सा मैं कहा यार, काफ़ी अर्सा हो गया इसे, तुहानू कोई अपडेट नहीं की थी, मैं कहा यार तुहानू चलो आज साइकिल पे बैठे हुए और बारिश के साथ आपको अपडेट करते हैं कि जी यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। और ये भी हमारे भाई हैं शबाब भाई, ये बड़ी तेज़ी में जा रहे हैं, इनको बड़ी जल्दी असल में नई नई चलाना साइकिल सीखी है, तो थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे। थोड़ी सी ज़रा मैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि चाइना के हालात थोड़े से जो है ना, आप काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। और आपको पता है हम तो भाई मुश्किल वक्त में भी इन्जॉयमेंट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दुआ होती है, दिल से दुआ है सारों के लिए कि चाइना में अल्लाह ताला जो है ना बेहतरी करे। और पाकिस्तान में भी ये अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को, सारों को कहूँगा कि स्पेशली जो है ना वो अपना ख्याल रखें और स्पेशल ख्याल रखें, क्योंकि PSL भी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे, काफ़ी इवेंट्स भी हो रहे हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, तो आपने जी अपना स्पेशल ख्याल करना है। और यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरह है कि तकरीबन 80 या 90,000 केसेस थे, तो उसमें 65,000 लोग तो इन्होंने रिकवर कर लिए हैं, तकरीबन 10-15,000 इनका रह गए। और ये तो कहते हैं कि जी चाइना वाले कह रहे हैं कि हम दुनिया तुहानू अगर कोई हेल्प चाहिए तो साढ़े को लो हेल्प, और इन्होंने अब दुनिया में हेल्प करनी है लोगों की। और यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई, अभी ताओबाओ में असल में कुछ सामान हम लेने जा रहे थे, यहाँ पर हर चीज़ का ये है फ़ायदा है कि आप सिर्फ ताओबाओ से चीज़ें मंगवा सकते हैं, तो इसी वजह से ये साइकिल ली थी। साइकिल का सब तो ज़बरदस्त फ़ायदा है कि तुम 400-500 रुपये दे के जितने मर्जी साइकिल चुको, तो जितने मर्जी रख दो, तो 400-500 रुपये तुम जमा कराने होंगे ने, तो इधर ये भी नहीं है कि इतने साइकिल खड़े करोगे तो कोई और भाई जो चुके ला जाएगा। तो इतने ये अगर आपको देखें साइकिलें हर तरह की डिफरेंट कंपनीज़ की साइकिल लगी हुई हैं, और ये यहाँ पर कैंटीन भी है। और अगर थोड़ा सा मैं अगर आपको विज़िट करवा सकूँ, ये थोड़ा सा ये हॉस्पिटल है यहाँ पर राइट साइड पर, ये हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। और मैं कहना हूँ कि आजकल कोई अस्पताल ही जाए तो मैं कहना हूँ वैसे ही लम्बा पा रहा है कि अगर अस्पताल है, क्योंकि बड़ी ये हमारे वली भाई भी गए थे और बड़ी स्कैनिंग जो है ना, बड़ी टाइट स्कैनिंग हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम किसी नाल भी लेके जाओ तो उसको भी स्कैनिंग कर देने, बाकी अंदर कैंटीन भी है जहाँ पर सिस्टम जो है ना, शाम के टाइम दिन के टाइम में दो कैंटीन ओपन है। और बाकी चाइना अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ रही है, ये देखिए सामने माई है, ये भी छतरी पकड़ के आ रही है और ये भी नॉर्मल रूटीन की तरफ कोशिश कर रही है, ये भी कैंटीन के लिए जा रहा है। गाड़ियाँ शाड़ियाँ जी थोड़ी बहुत अब नज़र आने शुरू हो गई हैं, उस दिन तो लास्ट जो वीडियो बनाई थी अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में तो आपको ना बंदा ना बंदों के साथ एक परेशान बंदा नज़र आ रहा था, अब तो जो ये है कि अब सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर है। बाकी जी आपकी दुआएं, आपको पता है कि आपकी दुआएं आपके उस्ताद के साथ हैं और आपके भाई के साथ हैं, और स्पेशल जी दुआएं करते रहा करें और अल्लाह ताला बेहतर करें, और इंशाल्लाह ताला जी बारिश में थोड़ा उस्ताद इंजॉय कर रहा है इसी तरह जिस तरह पहले नारायण का गाने इंजॉय करता सी, हर जगह से इंजॉय करता सी। तो साइकिल जोड़ा है ना, मेरे को भाई पूछता है कि भाई जी साइकिल चलानी आती है, मैं कहा यार हर चीज़ ही चलाई हुई है, उन्हें इसका थोड़ी है कि बंदा जो है ना साइकिल नहीं चला सकता। वो हमारे शबाब भाई भी इंतजार कर रहे हैं, और इधर ये ज़रा थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है तो थोड़ा जरा साह लेना पड़ा है, ज़रा ऊँची आवाज़ जो है ना चलानी पैनी है साइकिल, क्योंकि जो है ना वो वैसे आपको जो है ना तुम्हें पता है कि साइकिल चलाई ही होनी है सारे ने, आगे सारे ने चलाई होनी है, हम तो गड्डियाँ छड़ियाँ तो लोग फेरे होने ने, लेकिन मैं भी आपको उस्ताद पहले एक टीचर से स्टूडेंट बने और अब जो है ना वो गाड़ी से साइकिल पे आ गए। लेकिन बस ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस होते हैं जी, डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ के, और इंसान को जो है ना वो हर फेज़ इंजॉय करना चाहिए। और गड्डियाँ जी हर तरह की गड्डियाँ खलोती हैं, दिल से कर दिया कि यार किसी गड्डी की चाबी वैसी भी है ना लह के कोई हल्का फुल्का मार के, तो जो है ना गड्डी चलानी शुरू कर दी है, लेकिन बस ठीक आ सकते। और बाकी जी दुआ करते रहा करें, और बाकी आपको ताओबाओ सेंटर का भी दिखाते हैं, हल्का फुल्का विजिट करवाते हैं, पास कीजिएगा। हाँ जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपको ज़रा ताओबाओ का भी विज़िट करवाते हैं, यहाँ पे ताओबाओ का भी सबसे पहले जी टेम्परेचर चेक करवाना होता है, ये इस तरह टेम्परेचर है, ये भाई को भी चेक करेंगे टेम्परेचर, उसके बाद हम ज़रा अंदर एंटर हो सकते हैं। तो ताओबाओ का सिस्टम इसी तरह ही है कि जी ये ताओबाओ सेंटर है, ये यूनिवर्सिटी का ताओबाओ सेंटर है, यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा है कि आराम से मैसेज करें तो चीज़ें उसी वक्त आपको अगले दिन या दो दिन बाद आपको पहुँच जाती है, तो उन्होंने यही होता कि जाकर स्टोर पर या मुख्तलिफ जगह चीज़ें लेनी पड़ती है। तो अब यही है कि हमारे भाई जो है वो भी अब ये भी अगर आप देखें सेंटर पूछने किस्म का, यहाँ पर ज़रा कोई हैवी लगेज पड़ा हुआ है और बाकी नंबरिंग वगैरह लगी होती है, इसी तरह नंबरिंग वगैरह हर जगह पर लगी होती है, शुक्र है इंग्लिश लगी हुई है, और ये भाई स्प्रे कर रही है, छोटा भाई है हमारा, ये भी स्प्रे कर रहा है बड़ी देर, जितने जाते हैं उसे या स्प्रे करते नहीं या टेम्परेचर नोट करते हैं, इन्हों का काम काफ़ी अर्से तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है ना एक्स्ट्रा केयर अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो हम अपना नंबर ढूंढ रहे हैं कि जी हमारा 61 या हमारा जो नंबर था अभी ज़रा उसको ज़रा सर्च कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले आपको ताओबाओ को भी थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, जहाँ कि जो बंदा पाकिस्तान में है या दुनिया में जिधर भी है
तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। ये भाई नंबर अभी मुझे बता रहे हैं, तो ये 56-2 है। तो अगर ये सर्च करना होता है किसी भी जगह से, तो सबसे पहले हमने 56 देखना है, तो 56 वाली लाइन में खा गए थे और फिर दोबारा उठी जाना पड़ा, कोई मसला नहीं है। 56-2 पे हम देखेंगे। और यहाँ पे सबसे आसान काम है कि हर किसी का चाइनीज़ में नाम होता है, तो हमारा जो है ना वो इंग्लिश में नाम होता है, तो बड़ा आसान है काम सर्च करना। और 56-2 है। शबाब भी जरा थोड़ा सा साइड से होना, क्योंकि वीडियो भी बन रही है, तो बड़ी जगह से फिर मशहूर भी होना। तो इतने जो है ना हूँ, यह देखो ए इस तरह का इन्हों की डिटेल होती है 56-2। अब ये हमने सर्च कर रही हैं जी कि इतने हूँ सब तो ज़बरदस्त ए देखो ये वली भाई, ए वली लिखा है, तो यह मतलब है कि अल्लाह का वली है। तो यह तो चीज़ा सर्च करनी है, सब तो आसान काम होंगे ने, तो यह चीज़ सानू जी है ना सर्च हो गई है और बड़ा आसान है काम जी। दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है जी, दुनिया में कोई भी चीज़ आप कुछ हो, आपने सिर्फ उसका चाइनीज़ ट्रांसलेशन करनी है और तौबा सर्च करनी है और आपके पास चीज़ पहुँच जाएगी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी में ये बिल्कुल हमारे से तकरीबन 4-5 मिनट के फासले पर है। बाकी स्टाफ भी बड़ा कोऑपरेटिव है और आप तो लोग खुश भी हैं, अब आपको थोड़े बहुत लोग भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि चाइनीज़ अपनी रूटीन की तरफ वापस आ रहे हैं। 10-15 केसेस थे ओवर आ, तो बाकी दुआ करते रहा करें अल्लाह ताला से। बाकी जी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। ये साइकिल चलाते हुए आपको उस्ताद जो है ना वो वीडियो बना रहा है, मैंने कहा कि चले थोड़ा बहुत आपको सीन भी करा रहे हैं। ये जी है हमारा फुटबॉल का ग्राउंड है, अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला थोड़े अरसे बाद जो है ना इसकी कोई हालत बेहतर हो जाएगी, आवाम वापस आ जाएगी, क्योंकि अब काफ़ी हद तक सिचुएशन बेहतर हो गई है। और ये हमारे भाई जो है वो दो भाई जो है वो साइकिल चला के जा रहे हैं, एक भाई ने नई साइकिल सीखी है, ठीक है, अगर दिखा सकें तो वो बेचारा ज़रा कोशिश कर रहा है। लेकिन ये है कि आपको पता है कोई भी चीज़ अगर जब तक प्रैक्टिस ना करे तो उस वक्त तक बंदा नहीं सीखता। सीधा जाना है तो वैसे अक्सर पुट्ठा मुड़ जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं, फिर भी बंदा सीख तो रहा है सिस्टम। और गाड़ियाँ शाड़ियाँ आ रही हैं जी इसी तरह तीर में, और लोग जो है वो इसी तरह फुल जो है ना वो इन्जॉयमेंट चल रही है लोगों की। और ये भाई भी हमारी वीडियो बना रहे हैं, और थैंक यू सो मच जी आपके। मैं वैसे पहले वीडियो बना रहे हैं, मैं भी आप वीडियो बना रही, ये भाई भी हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो चलो हम भी वीडियो बना रहे हैं इनकी। और ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के भी कैंटीन वगैरह, ये हमारे शबाब भाई हैं जिन्होंने साइकिल सीखी है, सीधे चला रहे होते हैं, लेकिन अक्सर फिर कदम समझ नहीं आती, सिग्नल नहीं आते, तो फिर वो लेफ्ट साइड से भी टर्न हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कोई भी चीज़ अगर बंदा नहीं नहीं सीखे तो इसी तरह होता है मामला। और ये हमारे वली भाई हैं, वली भाई हल्का सा आप 2 मिनट गुनगुना दें, फिर उसके बाद आपकी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे, हल्का सा गुनगुना दें ज़रा आप थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि अभी तो आवाम आपको ज़रा थोड़ा सा मास्क भी देख रही है। कभी तेरा जाना हुआ ओ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे देहरा हुआ ओ, बताओ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या बात है वली, वली भाई दूसरी भी जो मेरी फरमाइश का वो जो गाना है जो अक्सर हम सुनते भी रहते हैं और टेबल टेनिस खेलते हुए, पर कौन सा वाला कोई भी सुना दो यार, हूँ की है हूँ वीडियो बनी तो पता कोई भी गा दस दो, हूँ फिर आवाम ने यही कहना कि यार बस ठीक है मानी जाती है आवाम वैसे भी। क्या बात है जी, संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें। ये वली भाई आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, इस तरह लग रहा है कि जिस तरह खलाई मखलूक हैं, लेकिन क्या बात है अभी आपको दिलवा करवाएंगे इनका। आपको पता है आपको उस्ताद हर जगह पे हिसाब किताब लगा ही लेता है, वीडियो भी बना रहा है और साइकिल भी चला रहा है आपको उस्ताद, तो बड़ा औखा हो रहा है काम, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है एंजॉयमेंट कर रही है। हर तरह का वली भाई का यह फायदा है कि हर तरह का क्लासिकल गाना सुनो, दूसरा गाना सुनो, पुराने गाने सुनो, ये खुद 90s की पैदाइश है इनकी, लेकिन जो है ना इनको गाने 80s के और 70s के गाने भी जो है ना फिंगर टिप्स पे याद है। और ये हमारे ये जिम वगैरह भी है और बाकी हमारा ऑडिटोरियम भी है, इस तरह का इवेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। और बाकी जो है ना लोग थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, तो दिली खुशी हो रही है जो है ना। ये जी मावा है इस तरह, जिस तरह आपको पहले भी वीडियोज़ में दिखाया था, और ये इनका फाउंडर है, आपको पहले डिटेल इसको आपको थोड़ी सी बताई थी। अब ये है ग्राउंड में सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी, पहले लोग होते थे, एक तो आज बारिश भी हो रही है थोड़ा बहुत, उसकी वजह से भी थोड़े से ज़रा लोग कम है, लेकिन लोग वैसे भी एहतियात करते, तो अच्छी बात ये है कि जी 1.5 अरब लोग हैं और केसेज आता कि 10 और 15 है, लेकिन फिर भी इतनी एहतियात हो रही है, इतनी एहतियात हो रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि हर मुल्क में इस तरह एहतियात होनी चाहिए और ख्याल करना चाहिए लोगों को, और आप भी अपना जी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सीन इस तरह है कि यहाँ पे ज़रा
यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया, साइकिल चला चला के वैसे साथ चढ़ गया सी मैं कि यार थोड़ा सा स्टे करिए ज़रा। सिचुएशन तो तुम्हें बताइए कि चाइना में ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी ये है, काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल हो चुकी है और मामलात ये है कि आज सिंगल डिजिट में इनका जो है ना वो पेशेंट्स आ गए थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 8 या 9 पेशेंट्स थे। तो ज़्यादातर ये ओवरसीज़ पर ही अभी कोशिश कर रहे हैं कि पाबंदी लगाने की, तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई है बीमारी। लेकिन ये है कि इन्होंने तकरीबन 3 महीने लगाए तो हैं, 3 महीने लगाए हैं, लेकिन 3 महीने में आप इमेजिन नहीं कर सकते जितनी इन्होंने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं। और मैं कहना कि इन्होंने 1.5 अरब आवाम नू सारे नू जड़ा ना आलू वाले पराठे खवा के, ठीक है, उन्होंने कहा सिर्फ आलू वाले पराठे तो गोभी वाले पराठे तो सिर्फ नाल जड़ा ना साग दा सालन खाओ तो घर बैठो तो खबरदार बाहर नहीं निकलना। तो हर बंदे का टेंपरेचर भी नोट हो रहा है, हर बंदे की जी है ना भाई इवेंट भी हो रही है, हर बंदे का टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपको पता है वैसे ही आ गए हैं, तो हर बंदे की इनका रिकॉर्ड है इनके पास, तो हर बंदा जो भी उसके ऊपर नज़र होती है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा स्टे किया है। और बाकी जी आपके इल्म में है कि बाकी ममालिक में भी हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ज़रा सिचुएशन ये है, तो अपनी तरफ से मेरी तरफ से स्पेशली ये रिक्वेस्ट है कि अपना ज़रा स्पेशल ख्याल रखें और जो है ना ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है जी, क्योंकि वायरस बड़ा ख़तरनाक है और जो है ना आपके लंग्स को काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है। तो बाकी आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला बाकी विज़िट भी करवाते हैं। ये जी घड़ी आपके उस्ताद के प्रोफेसर की है, ठीक है, और इधर प्रोफेसर साढ़े जो प्रोफेसर उन्होंने जिंदगी होर कोई काम नहीं है, बस वो कहता बस लैब चाहिए तो, लेकिन हूँ अज कल आप ही आ रहे हैं और लेकिन फिर भी बस कह रहे हैं कि बेचारा दुआवा कर रहा है, दुआवा तो चलो मेरा मतलब है मुसलमान तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफों पूरी कोशिश कर रहा है, कहता कि यार किसी ना किस तरह जो है ना बच्चे वापस मेरी लैब दे आ जाए, ठीक है। बस वो जिंदगी तो बेचारा सुबह तो लैके रात तक प्रोफेसर इतनी होंगे और यहाँ पे यही रूटीन है जी हर किसी की, यहाँ पे मामलात इस तरह ही हैं, यहाँ पे सारे लोग इस तरह ही चलाते हैं काम। और ये जो सामने है ये जी हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी है और बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी इन्होंने बनाई हुई है, बिल्कुल इसकी आधी जो इसका बैक साइड है वो पहाड़ी की बिल्कुल नज़दीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ए साडी लाइब्रेरी है जिते ना तुहाडे उस्ताद ने कदे आना है, कसम खाई हुई सी जदों इत्थे मेरा मतलब सितंबर च आए सी, कसम खाई सी कि इधर कदे भी इस साइड का कदे मुँह नहीं करना, क्योंकि पहले भी जरा लाइब्रेरी से और किताबों से नफरत है, ऑनलाइन चीज़ें बंदा पढ़ लेता है लेकिन आपको पता है किताबें पढ़ना जरा बड़ा औखा काम है, लेकिन फिर भी हम PhD कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे तो शायद दूसरे या तीसरे साल में जो है ना प्रोफेसर ज़बरदस्ती करे और कि हमें चक्कर लगाना पड़े यहाँ पे। लाइब्रेरी जी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है, अगर आप इसका थोड़ा सा व्यू देखें कि इन्होंने बैकग्राउंड पे इसकी बैक साइड पर बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, काफ़ी बड़ा खूबसूरत इलाका है पहाड़ी इलाका, और मैं कहना कि मज़ा आ जाता है इसकी आधी साइड बैक साइड जो है ना वो पहाड़ी के भी ऊपर है और बड़ा एक जो है ना मज़ा आता है एक तुहानू जो है ना लाइब्रेरी जो है ना, बाकी भी हर जगह पर लाइब्रेरीज होती हैं लेकिन इतने तुहानू जो है ना सही इंजॉय तुसी करते हो। तो बाकी आवाम जी ने थोड़ी बहुत साइकिलों पर भी नज़र आ रही है, छतरियों पर भी नज़र आ रही है, थोड़े बहुत जानवर भी नज़र आने शुरू हो गए हैं, गड्डियाँ भी नज़र आने शुरू हो गई हैं। बाकी सिचुएशन जरा है ना चाइना ने भाई कंट्रोल किया है, सही चंगा भला कंट्रोल किया है और मैं कहता हूँ कि इन्होंने लाफा कर दी है और हूँ चाइना वाले कहते हैं कि होर कोई मदद साढ़े लायक होए, तो चाइना वाले जिस तरह अगर आपको अंदाज़ा है कि इटली में भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं तो इटली में सबसे दोस्तों को मैं सलाम कहता हूँ पहले, और स्पेशली जी इटली के लोग अपना बड़ा ख्याल रखें क्योंकि वहाँ पे आज काफ़ी ज़्यादा तादाद हुई हुई थी और क्योंकि चाइना ने भी बड़ी सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं, तो चाइना के ऊपर तनकीद ये वाली हुई थी कि जी इन्होंने शहरों को लॉकडाउन कर दिया है या सूबों को लॉकडाउन कर दिया और बिल्कुल लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म कर रहे हैं। तो लॉकडाउन जो है ना इटली ने भी अब आज जो है ना ये कल परसों जो है ना पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया और मेरे ख्याल से लॉकडाउन के अलावा कोई सलूशन नहीं है, लॉकडाउन जब तक नहीं करेंगे जहाँ पे कुछ अगर 2 केसेस भी हों या 3 केसेस भी हों तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मामलात पहले कम थे कि कुछ हज़ारों में केसेस थे तो फिर वो तकरीबन लाख के नज़दीक नज़दीक केस हुए, लेकिन अब तो तकरीबन 60-70 हज़ार लोग जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। और बाकी अभी आपको आप वली भाई का भी स्पेशली जो है ना वो आवाज़ सुनाते हैं थोड़ी देर, तो ये अगर वली भाई अभी ज़रा थोड़ा सा ज़रा बिजी हैं अपने काम में मसरूफ़ ने, वो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो असं व्लॉगिंग तो नहीं कर रहे, असं तो बस ज़रा थोड़ा बहुत तुहानू ज़रा एंटरटेन कर रहे हैं। तो बाकी है जो बाबे ने हर जगह पर बने हुए हैं, तुम्हें पता है कि जिस तरह वो माओ इनका फाउंडर है इसी तरह ये बाबे भी जो है ना वो हर जगह पर इनके सिस्टम जो है ना वो बने हुए हैं, तो हर जगह पर इन्होंने बाबे खड़े किए हुए हैं स्पेशली, इसी तरह हो सकता है थोड़े उस्ताद की भी जो है ना पाकिस्तान जिस तरह की तस्वीर लगी हुई है फ्यूचर में, तो बस दुआ करते रहा करो, हो सकता है की पता होना यार किस्मत का की पता होना, हो सकता है कि फ्यूचर थोड़े उस्ताद की जी है ना इतनी कोई हो सकता है इस यूनिवर्सिटी ए नाल करके थोड़े उस्ताद की भी तस्वीर लगी हुई है, दुआ करना। है 1890 तो लैके 1974 तक बंदा सी, इस बंदे का मुझे नाम नहीं पता, इधर भी नाम बड़ा औखा जहा होना है क्योंकि माओ को तो मैं हर दुनिया का यहाँ पे बंदा जानता है, क्योंकि माओ जो है वो एक वो तो फाउंडर था और बड़ा जालिम बंदा सी, तो जालिम बंदे की पाकिस्तान में भी ज़रूरत है जी, और बस दुआ करें। और ये वाला जो फाउंडर के हो सकता है कि आपके भाई की इस तरह करके मम्मी करके जो है ना इस तरह की करके तस्वीर फ्यूचर में बनी हो, और आपने बस दुआ करनी है कि हो सकता है इतने भाई थोड़ा अन्नी पा दे, तो हो सकता है उन्होंने कहना कि यार है जो पाकिस्तान तो बंदा है इन्हों भी इधर चुनवा दो,
ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आपको जो है ना आगे थोड़ा और विजिट करवाते हैं। बालकोट जो है ये भी सुनसान पड़ा हुआ है और आवाम जो है वो ज़्यादा चाइनीज़ आवाम ज़्यादातर अपने घरों की गई हुई है डिफरेंट शहरों को। और ये जी इलेक्ट्रिकल बाइक्स हैं अगर आपको दिखा सकें तो, जिस तरह ज़्यादातर लोग, वैसे तो पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि ज़्यादातर लोग साइकिलें वगैरह इस तरह चलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चाइना में कॉन्सेप्ट ये है ज़्यादातर लोग ये इलेक्ट्रिकल बाइक्स यहाँ पर ज़रा ज़्यादा है, ये तकरीबन 60,000-70,000 की आ जाती है। इतने भी इसी तरह होता है, मेरा मतलब है चाइना भी कहने के पाई जाना चलो ठीक है 40 दे दो 35 दे दो, तो ये माशाल्लाह पुराने किस्म के भी नहीं जो पी हज़ार के, ये मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको पैसों की कीमत बता रहा हूँ कि 20-25,000 में मिल जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल बाइक जो है ना यहाँ पे सबसे मेरा मतलब है आराम से, एक तो पोल्यूशन भी इससे नहीं होती और दूसरे नंबर पे ये है कि फ़ायदा सबसे ज़बरदस्त हो रहा है। ये जिस तरह अगर आपको बाबा जी मैं दिखा सकूँ, और असी वैसे इतने बाबा जी तो नहीं किया जा सकता क्योंकि इतने तो भाई सारे बंदे जो है ना अपने हेल्थ का ख्याल करते हैं और केयर करते हैं भाई, इतने बाबा क्या तो वैसे कहेगा भाई मैं बाबा तेरे तो ज़्यादा दौड़ लेना, तो मैं कहता हूँ जो है ना ये इलेक्ट्रिकल बाइक्स का अगर आप चाइना में आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त आप एक्सपीरियंस करेंगे। और इस तरह डिफरेंट साइकिल्स वगैरह, ये साइकिल्स का मैंने आपको विजिट करवा दिया कि साइकिल्स में तो आप जो है ना वो पाकिस्तानी तकरीबन जो है वो तकरीबन 400 या 500 रुपये दे के पूरा महीना जो है ना वो इंजॉय कर सकते हो और जितने मर्ज़ी साइकिल चलाओ। ये जिस तरह हमने साइकिल ली हुई है, हमारी साइकिल जो है ना उदास खड़ी हुई है अकेली। इसी तरह ये गाड़ियाँ में भी हर तरह के ये बाबे जिस तरह है ना उनको भी पुराना शौक है जी, चाइना में भी इसी तरह ही हैं जी पुराने बाबे हैं, उन्होंने पुरानी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये अगर आपको पुरानी गाड़ी जैसे नज़र आ रही है, और ये भाई ये भी हो रहा था इसके पास नई गड्डी है भाई, ठीक है हर तरह की फिर आवाम है उन्होंने कोल अपने हिसाब से गड्डियाँ रखी हुई हैं। तो बाकी हमारे दोस्तों के जो है ना वो यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, मैं इन्होंने भी इसे कमरे चला देता, मैं कहा यार ठीक है एंजॉय करो तो लाइफ बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से परेशान सी, मैं कहा यार बाहर आओ तो ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए। और अभी इनके साथ जी चैलेंज होने लगा है तो आपको चैलेंज का भी ज़रा दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो वली भाई के साथ और ये शबाब भाई के साथ चैलेंज होगा कि यहाँ पे ये लगे हुए रॉड्स वगैरह, ज़रा पुलअप्स करते हैं देखते हैं ज़रा कौन ज़्यादा कर सकता है। शुरू होगा मेरे और हसीब भाई के दरमियान है और देखते हैं कौन ज़्यादा करते हैं। देखते हैं जी कौन जीतता है, बाकी वली भाई के नाल मुकाबला उन कर रहे हैं, लेट्स सी काम है, लेकिन चलो कर सकते हैं क्योंकि पहले शबाब भाई ने भी साथ चढ़ा देता है। 1-2 फैसलाबाद का बंदा या जेड़ा है किधर इलाके से ताल्लुक है यार, मतलब केपी हम तो भाई मुकाबला है सर जब तक आप नहीं करोगे सही तरह। आखिरकार वली भाई ने हमें थोड़ा सा टाइम दे भी दिया और आखिरकार इन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा अपने मुंह से नकाब हटा ही लिया है। तो वली भाई सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा थोड़ा सा 80s का गाना गा दें जो हमें अक्सर महसूस भी आप करते हैं और आपकी वजह से हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है और स्पेंड होता है, तो काइंडली ज़रा थोड़ा सा पहले पुराना गाना गा दीजिए और फिर उसके बाद ज़रा नया गाना ज़रा सुनेंगे। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता। अरे भाई कैप जरा उतार दें ताकि जरा थोड़ा सा जरा ये गाने के दौरान कैप उतरनी चाहिए थी। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ओ हमें तुमसे प्यार कितना। चलिए जी ये पुराने गाने तो झलक होगी है, हुण जरा नवा गाना तोड़न दो क्योंकि हमारे आपके अक्सर नए फॉलोअर्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है अभी मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। क्या बात है वली भाई, जिया जाए ना जाए ना, कोरोना वायरस में आप ना होते तो हमारा दिल नहीं लगना था। ओरे पिया रे धूप आए तू चाहो तुम लाना, ख्वाहिशों की बारिशों में बिग संजा जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया।
हम साइकिलों में बैठने लगे हैं और सफ़र का आगाज़ करने लगे। ये शबाब भाई जो जिन्होंने साइकिल सीखी है तो जिन्होंने अक्सर साइकिल मुड़ जाती है तो इन्होंने हथी पै जाती है साइकिल में, वो पंजाबी में कहते हैं कि हथी पै जाती है। तो अब ये साइकिल में हमने ये ताऊ वाऊ से सामान भी लिया है और अभी हम दोबारा वापस अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं और बहुत अच्छा लगे जी आपके साथ। और बाकी ये चैनल्स को अपने दोस्तों को भी स्प्रेड करें ताकि जो है ना वो उनको भी कहीं ये सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला चैनल ने तो सिचुएशन जरा बेहतर जरा जब होती है तो इन भाई के साथ और बाकी अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह ताला आपको हर जगह का विजिट करवाएंगे, चाइना का भी और इंशाल्लाह दूसरे ममालिक का भी करवाएंगे। और बाकी अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा और पाकिस्तान में स्पेशली फिर दोबारा दरख्वास्त है कि स्पेशली अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि फिर भी जो है ना जब तक ये जो कोरोना वाली सिचुएशन जो है ना चाहे कम केसेस हैं लेकिन एहतियात करें वरना जो है ना काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। और मेरी दिल से दुआ है कि पाकिस्तान में जो है ना अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला का करम रहे और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत मेहरबानी।